वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइट एजुकेशन पे। सुबह के 6 बज चुके हैं। 27 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर का वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए रोज शाम को। जी हाँ दोस्तों, 8 बजे, सुबह 10 बजे और सुबह 6 बजे, ये 3 वीडियो यहाँ से आपको दिए जा रहे हैं। लेकिन अब कुछ वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे जो कि ट्रिकी होंगे, उससे आप जीके को ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। तो ये बीच बीच में कभी भी आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे वो वीडियो शेयर करूंगा तो आपको मिल सकेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सिनेरियो का। लेकिन एंड ऑफ मंथ में 30 सितंबर का वीडियो देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस दिन पूरे सितंबर महीने से जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल जगत से, जी हाँ हर एक सेक्टर से जितने जुड़े हुए प्रश्न होंगे हम आप तक लेकर आएंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। तो 30 तारीख का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आपके सामने, आंसर करेंगे किसे यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सवाल नंबर 1 का आंसर करेंगे, बिल्कुल ए जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे, राणा सफवी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये इतिहासकार हैं, एक लेखक हैं राणा सफवी, जिनको यहाँ पे यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राणा सफवी जो है भारत के संस्कृति, इतिहास और स्मारकों पर कई पुस्तकें भी लिख चुके हैं, ध्यान रखिएगा। और यामीन हजारिका पुरस्कार से कुछ लिखे हुए तथ्य हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टैटिक पार्ट के लिए, ये ध्यान रखिएगा। 2015 से ये महिला पेशेवरों को भी सामूहिक या सालाना इनको दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और इस पुरस्कार के विजेताओं में कुछ लोगों के नाम है, लेखक इंद्राणी राय मेघी है, एथलीट्स हैं तैबुन, और अभिनेता है मोलोया गोस्वामी, और पर्यावरण कार्यकर्ता है पूर्णिमा देवी बर्मन, और सामाजिक कार्यकर्ता हसीना यहाँ पे खरबी, इनको ये अवार्ड मिल चुका है ऑलरेडी। राणा सफवी जो है दोस्तों एक प्रसिद्ध पुस्तक के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, यामीन हजारिका पुरस्कार, ये आप ध्यान रखेंगे। और आपको बता दें द फॉरगेटन सिटीज ऑफ दिल्ली वेयर स्टोन्स स्पीक ट्रिलॉजी की दूसरी किताब है ये, ध्यान रखिएगा जिनके लिए इनको मिला है। अच्छा यहाँ पे शाहजहानाबाद द लिविंग सिटी ऑफ गोल्ड दिल्ली, ये भी इनकी लिखी हुई पुस्तक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तीनों के बारे में ध्यान जरूर रखिएगा। स्टैटिक पार्ट है, एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, माफ कीजिएगा उसके लिए, ठीक है। तो हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम, जी हाँ एसपी बाला सुब्रमण्यम की मृत्यु हो गई है कोविड-19 के कारण। वह किस पेशे से जुड़े हुए थे एसपी बाला सुब्रमण्यम? जी हाँ दोस्तों, आप इनको तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जी हाँ ये एक गायक थे, नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये क्या थे तो गायक थे, आंसर यहाँ पे सी कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ तथ्य हमने लिखे हैं, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हुई। 74 वर्षीय थे बाला सुब्रमण्यम। इन्होंने सलमान खान की फिल्मों के लिए भी बहुत गाने गाए हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था कि सलमान खान के जो गाने थे ऐसा लगता था कि यही गा रहे हैं, बाला सुब्रमण्यम नहीं सलमान खान ही गा रहे, उनकी आवाज उनकी बहुत ज्यादा सूट भी कर गई थी। खैर यहाँ पर उन्होंने 16 भारतीय भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। उनके प्रशंसकों के द्वारा यह पादुम नीला सिंगिंग मून कहा जाता था उनको। 2001 और पद्मश्री सम्मानित, और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे बाला सुब्रमण्यम। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, कोविड-19 से इनकी मृत्यु हुई है। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। दोस्तों हाल ही में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी आपका ऑप्शन थोड़ा सबका मिस्टेक हो गया है यार, है ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अस्तित्व में आ गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पर, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। अब जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन, जो भारत में नया चिकित्सा शिक्षा नियामक आ चुका है, इसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI, जी हाँ दोस्तों MCI, जी हाँ स्थान ले लिया है MCI का इसने, ध्यान रखिएगा। यहाँ इसके जो नए नियुक्त किए गए हैं अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुरेश चंद्र
शर्मा हैं। नोट कर लीजिएगा, यहाँ से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जो कि मैंने आपके लिए लिखे हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो है 2019 के अधिनियम पे कार्य कर रहा था, ये चिकित्सा शिक्षा में प्रमुख सुधारों में एक होगा। इसे पिछले साल राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल चुकी थी। इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1956 को समाप्त कर दिया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इस अधिनियम की नीतियों के तैयार करने का अन्य स्वायत्तता यानी कि निकायों के साथ साथ समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का स्थापना का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। तो ये तथ्य इंपॉर्टेंट है यहाँ से स्टैटिक पार्ट का। जी हाँ, हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको स्टैटिक पार्ट जरूर दे रहा हूँ ताकि आपको स्टैटिक जीके अलग से ना पढ़ना पड़े, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिहार का किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप लोग, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खासकर जो छात्र हमारे साथ बीपीएससी के लिए जुड़ रहे हैं उनके लिए ये क्यूज सिनारियो इंपॉर्टेंट होता है। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ भी देखिए आप लोग सभी थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा यहाँ पे। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का घोषणा कब किया गया है? जल्दी से आंसर करेंगे। सवाल नंबर 4 देखिए, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है 26 सितंबर को, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। कल का ही था, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सवाल पूछा गया है कब से ये घोषणा किया गया है, कब किया गया था इसको, तो ये याद रखिएगा दोस्तों 2013 में। आंसर ए कर लीजिएगा, 2013 में 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यह दिवस दोस्तों बता दें कि परमाणु हथियारों को खत्म करने के लाभों के बारे में तथा लोगों को और राष्ट्रीय नेताओं को शिक्षित करने के अवसर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका उद्देश्य है कि परमाणु हथियारों को मुक्त दुनिया का साझा करना। जी हाँ, हथियारों जो है दोस्तों, परमाणु हथियारों का उत्पन्न खतरा होता है, ये आपको पता है ना, उसको खत्म करना एकमात्र निश्चित तरीका है कि खुद हथियारों को खत्म करना। तो जिसके लिए राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, याद रखिएगा, इन्होंने ये घोषणा किया है 2013 में 26 सितंबर को ही। तो आंसर ए कर लीजिएगा, इसके जुड़े हुए तथ्य मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं और ये स्टैटिक पार्ट जरूर याद रखिएगा, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। ठीक, सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ भी आंसर आप लोग करेंगे, यहाँ पे ए बी सी और डी ऑप्शन है। चलिए, IRDAIA द्वारा निम्नलिखित में से 3 घरेलू बीमा कंपनियों के रूप में पहचाने जाने वाले बीमा कंपनियों में से कौन नहीं है, नहीं है वो बीमा कंपनी, बताइए यहाँ पे। बिल्कुल, IRDAI जी हाँ दोस्तों ने LIC, GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस की पहचान की है यहाँ पर। LIC जी हाँ, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और सामान्य बीमा निगम को, ठीक है, इसमें राष्ट्रीय बीमा कंपनी को नहीं रखा गया है। तो आंसर क्या कर लेंगे, डी कर लीजिएगा। अब सवाल देखिए जुड़े हैं कुछ LIC से, तो इसका गठन किया गया, तो ये हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है, 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय इसका मुंबई है, चेयरपर्सन है MR कुमार है अभी, ठीक है। इसका नारा क्या है दोस्तों, तो आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी, योगक्षेमे वहाम्यम, ओके, ये इसका संस्कृत में एक वर्ड है, ठीक है, इसका नारा है दोस्तों। GIC के बारे में भी कुछ अपडेट मैंने लिखे हैं, इसका गठन 1972 में किया गया था और न्यू इंडिया इंश्योरेंस का गठन 1919 में ही किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई है और इसका भी मुख्यालय मुंबई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात बनी है IRDAI की, तो यहाँ पे कुछ तथ्य है उनके बारे में। यह IRDAI जो है भारत का एक स्वायत्त वैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो बीमा और पुनः बीमा उद्योगों को विनियमित करना और उसको बढ़ावा देना। इसकी स्थापना भी 1999 में की गई थी। इसका हैदराबाद मुख्यालय है, अभी अध्यक्ष है सुभाष चंद्र खुटिया, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्टैटिक पार्ट है ये सारे के सारे, हर क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 6, खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है, आंसर कीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आप लोग, खादी और उद्योग, जी हाँ, डिजाइन और फैशन आइकन सुनील सेट्टी को खादी और उद्योग आयोग यानी कि KBIC द्वारा एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। सी आंसर कर लेंगे यहाँ पे, क्या आंसर करेंगे, सी इज द राइट आंसर। किसको, सुनील सेट्टी को, उन्हें 1 साल के लिए कार्यालय
के लिए नियुक्त किया गया है। वह भारत और विदेश में खादी प्रचार के साथ साथ रेडीमेड कपड़ों का भी नवीनतम डिजाइन हस्तक्षेप करने का सलाह देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आंसर सी हो जाएगा एग्जैक्टली। दोस्तों यहाँ से कुछ स्टैटिक पार्ट है, जैसे कि KVIC का मैंने नाम लिया, खादी और ग्राम उद्योग आयोग जो इसको कहते हैं हम लोग, इसका स्थापित किया गया था 1956 में। ठीक है, एक वैधानिक निकाय है भारत का, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत ये शीर्ष संगठन का है। इसका मुख्यालय मुंबई है और वर्तमान अध्यक्ष अभी विनय कुमार सक्सेना है इसके। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, स्टैटिक पार्ट है, यहाँ से जोड़ लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा और नोट्स बनाइए आप लोग, करंट अफेयर का नोट्स बनाइए। PDF से काम नहीं चलेगा, PDF में कभी कभी आप लोग को दिया भी रहता है, स्टैटिक नहीं भी दिया रहता है। चलिए यहाँ पे 7 का उत्तर करेंगे आप लोग। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, हर यहाँ पे सब्जेक्ट को लेकर, हर क्वेश्चन को लेकर ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन के भाग में रूप में गार्ड रणनीति किसके लिए शुरू किया है, कौन से वर्ष के लिए? जी हाँ, अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारा फ्रॉड टाइप का चीज हो रहा है, जिसके लिए RBI ने साइबर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक विजन तैयार किया, प्रौद्योगिकी विजन, जी हाँ, जो कि इसका रूप है गार्ड, और रणनीति तैयार की गई है दोस्तों 2020 से 23 तक के लिए। आंसर ए कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे हम, ए कर लेंगे। अच्छा, इसके बारे में कुछ तथ्य हैं वो आप लिख लीजिए। गार्ड का उद्देश्य है कि शहरी जितने भी सहकारी बैंक हैं UCB, उसके साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, खतरों का निपटारा करना, और गार्ड के दृष्टिकोण से अर्थात शासन प्रणाली प्रबंधन, उपयोगी तकनीकी विशेष और उपयुक्त विनियम पर्यवेक्षण, मजबूत सहयोग करना है। ठीक है, अच्छा, यूसीबी यानी कि शहरी सहकारी बैंक जो है, इसके बारे में तथ्य है कि वे प्राथमिक सहकारी बैंक होते हैं जो कि एक शहर और अर्ध क्षेत्रीय क्षेत्र में ये हो सकते हैं, स्थित हो सकते हैं। वे RBI और राज्य सरकार के द्वारा शासित किए जाते हैं, यानी कि चलाए जाते हैं। तो यहाँ से स्टैटिक पार्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बार बार कहूंगा और हमेशा कहूंगा कि ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग। सवाल नंबर 8, ये ऑप्शन यहाँ पे ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, क्षमा करेंगे इसके लिए हम लोग को। फेम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, दो कथन दिए गए हैं, एक और दो, बताइए कौन सा कथन यहाँ पे सही है। देखिए फेम योजना के बारे में आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे तो आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, आंसर ए हो जाएगा, केवल एक कथन सत्य है, इसका उद्देश्य जो है हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोनों प्रकार के वाहनों को बढ़ावा देना है, आंसर सिर्फ एक ही सही है। ठीक है, सड़क परिवहन से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। दोस्तों आपको इसके बारे में कुछ तथ्य लिखे हैं मैंने फेम योजनाओं के बारे में, इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग, है ना। इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी निर्माण के बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने फास्ट एडॉप्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये योजना शुरू किया था दोस्तों, यह 2015 में लॉन्च किया गया, इसके भारी उद्योग और लोक उद्यम के लिए तहत इसको शुरुआत किया गया था इस योजना को, इसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना भी उसका हिस्सा बनाया गया। इसका मिशन क्या था, तो राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देना था। ठीक है, फेम योजना का चरण एक जो है 31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ और फेम योजना का दूसरा चरण 2019 से 22 तक का लागू किया जा रहा है। तो यहाँ से ये स्टैटिक पार्ट और ये स्टैटिक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फेम का फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, यहाँ पे फास्ट एडॉप्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इन इंडिया। चलिए सवाल नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ भी ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो जिमेक्स भारत और किस देश के बीच की समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है, जिमेक्स, तो नाम से थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन को, ये चौथा संस्करण हो रहा है इनके बीच में। जी हाँ दोस्तों, किसका, तो अरब सागर में हो रहा है जिमेक्स, जो चौथा संस्करण हो रहा है, ठीक है। COVID-19 के कारण गैर संपर्क में केवल समुद्र प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है, इसमें युद्ध पोत, चेन्नई तेग, तारक और फ्लेट जैसे टैंकर का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भारत और जापान, J4 Japan है, ध्यान रखिएगा I4 India है, J4 Japan है, I4 India है, ठीक है ये, और ध्यान रखिए द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है ये। अच्छा, ये द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, ठीक है, हर 2 वर्ष में एक बार होता है। समुद्री रक्षा सहयोग के लिए 2012 में जिमेक्स श्रृंखला का कवायद किया गया था, इसका जो पिछला संस्करण था 2018 में हुआ था अक्टूबर में, अब इस बार 2020 में हो रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा भारत और जापान।
दोस्तों आंसर हम यहाँ पे डी कर लेंगे। दोस्तों डी जापान है, तो जापान की करेंसी का नाम येन है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी टोक्यो है, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आज का आपका टास्क है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 10, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। बांग्लादेश सरकार के स्वतंत्रता सेनानी पर फिल्म बनाने जा रही है, तो आंसर याद रखिएगा प्रीति लता वादेदार। जी हाँ, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, एग्जैक्टली। जी हाँ दोस्तों, वादेदार जो है इनका जन्म 1911 में हुआ था, इन्हीं के ऊपर ये फिल्म बनेगा 5 मई 1911 को। बांग्लादेश के चटगांव के एक गांव में हुआ था इनका जन्म। कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सूर्य सेन और निर्मल सेन जैसे बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हो गई थी। आपको बता दें प्रीति वादेदार जो है, ये प्रीति लता वादेदार जो है, ये बुद्धिमत्ता और प्रयासों के चटगांव विद्रोह के सफल बनाने में मदद भी किया था इन्होंने, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। एक सवाल और है इसके बारे में, थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। दिव्यांग खेल केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले से स्थापित किया जाएगा, तो आंसर कीजिएगा इट्स सी, ग्वालियर से, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दिव्यांग खेल केंद्र जो है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र से स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश से सवाल जुड़ा है तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना होगा, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, और यहाँ पे गवर्नर अभी हैं आनंदी बेन पटेल, ठीक है, आनंदी बेन पटेल, ठीक, याद रखेंगे। और यहाँ के भोपाल जो है कैपिटल सिटी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसके द्वारा यहाँ पे दोस्तों कल्याणकारी समाज और न्याय और समाज के वंचित और हाशिए वर्गों के सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार है, इसलिए इसका नेतृत्व जो है थावरचंद गहलोत कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा किसका दोस्तों, तो दिव्यांग खेल केंद्र का जो है यहाँ पर कौन कर रहा है नेतृत्व, तो थावरचंद गहलोत। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, जी हाँ, और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से ये जुड़ा हुआ है, तो विकलांग व्यक्तियों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए ये विभाग है, ठीक है, तो यहाँ से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। तो 11 क्वेश्चन आज आप लोग को दिए हमने, वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें लाइक और शेयर करके जरूर बताएंगे। बिल्कुल, वीडियो को अपने दोस्तों या अपने भाई बहनों के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, ताकि ये सारे नॉलेज उनको भी मिल सके। एग्जैक्टली, पढ़ाई कीजिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से 10 बजे की क्लास में, ठीक है, जहाँ पे बिहार एसआई के रिगार्डिंग क्यू सेक्शन होगा। तो 10 बजे मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, धन्यवाद।